दिस 41, पार्ट इस चैप्टर का नाम है transport ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन dioxide इन ब्लड एंड टिश्यू fluids. अच्छा अब बेसिकली इस पार्ट में हमने पढ़ना है कि ओवरऑल चैप्टर में हमने पढ़ना है कि ऑक्सीजन किस तरह लंग्स से बॉडी के अंदर आती है ब्लड में आती है और फिर ब्लड से किस तरह ऑक्सीजन सेल्स तक जाती है एंड वाइस वर्षा कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह सेल्स से निकल के ब्लड में आती है और ब्लड उसे लेके लंग्स तक चला जाता है और फिर किस तरह आउट हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि ऑक्सीजन का बॉडी के अंदर आना और कार्बन डाइऑक्साइड का बॉडी से बाहर निकलना विद द हेल्प ऑफ वेंटिलेशन ये सारा हमने डिस्कस करना है इस चैप्टर में अच्छा अब आपको जनरली आपको पता है कि कोई भी मॉलिक्यूल मूव करेगा हमेशा फ्रॉम एरिया ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टर्ड्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन और एरिया ऑफ गैस इन गैसेज में हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ हायर पार्शियल प्रेशर टूअर्ड्स एरिया ऑफ लोअर पार्शियल प्रेशर ठीक है अब अगर हम देखें जी ये कि ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन एज कार्बन डाइऑक्साइड की लाइन ये है अच्छा अब ऑक्सीजन कहाँ पे होती है ऑक्सीजन होती है एयर में अब एयर से ऑक्सीजन ने कहां पे चले जाना जब हम सांस लेंगे एलवियोलाई में और फिर वहां से ब्लड में चली जाएगी ऑक्सीजन ब्लड में सबसे पहले क्या आती है पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जाएगी वहां से घूम के फिर पल्मोनरी वेन्स के अंदर चली जाएगी बेसिकली पल्मोनरी कैपिलरीज में आएगी ना तो पल्मोनरी आर्टीरियल ब्लड जो कैपिलरीज तक जाएगा वहां पर आएगी फिर पल्मोनरी वेन में चली जाएगी अब पल्मोनरी वेन कहां पर जाती है इट ओपन इन लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट और वहाँ से फिर सिस्टेमिक आर्टरीज शुरू हो जाती हैं और वो सिस्टेमिक आर्टरीज उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके या उस ऑक्सीजन को लेके इंटरस्टिशियल सेल्स के पास चला जाएगा अब जब सेल्स के पास जाता है तो वहाँ सबसे पहले आर्टरीज से ब्लड कैपिलरी से बेसिकली सिस्टेमिक कैपिलरी से ब्लड ऑक्सीजन uh, निकल के इंटरस्टिशल फ्लोइड के अंदर जाएगी और फिर इंटरस्टिशल फ्लोइड्स होती होती सेल के अंदर चली जाएगी तो ये पूरा इसका पाथवे सबसे पहले एयर में थी फिर एलव्यूलाई में आ गई फिर ब्लड में आ गई फिर ब्लड से इंटरस्टिशियल फ्लोइड के अंदर ऑक्सीजन चली गई और फिर इंटरस्टिशियल फ्लोइड से सेल के अंदर गई ठीक है इट्स वेरी सिंपल अब पहले मैंने आपको कहा था कि ऑक्सीजन विल मूव फ्रॉम एरिया ऑफ हायर पार्शियल प्रेशर टुवर्ड्स एरिया ऑफ लोअर पार्शियल प्रेशर तो यस जबरदस्त ऐसे ही होता है अब ये सारे लिखे हुए पार्शियल प्रेशर्स इन तमाम जगहों पे आप नोट करें कि इट इज मूविंग फ्रॉम एरिया ऑफ हायर पार्शियल प्रेशर टुवर्ड्स तो एरिया ऑफ रिलेटिवली लोअर पार्शियल प्रेशर अब ये आपने सारे पार्शियल प्रेशर्स याद कर लेने के किस -किस एरिया में। कौन सा इट्स तो वेरी इजी टू तो रिमेंबर अच्छा जी अब एयर के अंदर कितना होता है ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर इट इज अराउंड वन मिलीमीटर ऑफ मरकरी ठीक है अब जब वही एयर जब हम इनहेल करेंगे तो इनहेलेशन में क्या होती है उस एयर की ह्यूमिडिफिकेशन होती है ठीक है उसके अंदर वाटर वेपर्स का भी पार्ट आ जाता है तो ह्यूमिडिफाइड एयर जो हम इनहेल करते हैं इनहेल करते करते एयर जो ह्यूमिडिफाई हो जाएगी तो उसका पार्शियल प्रेशर कितना हो जाएगा 149 फोर्टी नाइन मिलीमीटर ऑफ मरकरी ठीक है अब जब ये एयर ह्यूमिडिफाइड एयर एलव्यू आई तक पहुंचेगी तो इसका पार्शियल प्रेशर कम होकर वन जीरो फोर ऑफ मरकरी तक रह जाएगा अब आप कहेंगे कि भाई क्यों ये वन नाइन से कम होकर वन जीरो फोर ऑफ मरकरी पे क्यों पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन आ गया तो इसलिए आ गया क्योंकि हमारे पास पहले से जब हम सांस लेते हैं तो आपके टाइडल वॉल्यूम के अलावा पहले से लंग्स में जो एयर पड़ी हुई है वो उसके साथ मिक्स होगी जो हम एयर बाहर से ले रहे हैं इनहेल कर रहे हैं जो कि ह्यूमिडिफाई हो रही है 149 वाली वो पहले से एग्जिस्टिंग एयर जो लंग्स के अंदर थी उसके साथ मिक्स होगी तो फाइनली हमारे पास एलवियलाई के अंदर 104 मिलीमीटर ऑफ मर्करी पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का बन जाएगा ठीक है जी चलो जी एलव्यूलाइ अब ये वन नहीं भूलना दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ठीक अब लंग्स का काम है के वो ब्लड को ऑक्सीजनेट करे ठीक है अब होता क्या है राइट साइड ऑफ हार्ट से राइट साइड ऑफ हार्ट से पल्मोनरी आर्टरी निकलती है और वो ब्लड को लेके डिऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके लंग्स के पास जाते हैं पल्मोनरी आर्टरी डी ब्लड को लेके लंग्स के पास जाएगी ठीक है और कहेगी चलो भाई मुझे ऑक्सीजनेट कर दो मेरे पास मैं ब्लड को लाया लाए उसको ऑक्सीजनेट कर दो अब ये जो पल्मोनरी आर्टरी है जो राइट साइड ऑफ हार्ट से एलव्यूलाई की तरफ जाएगी इसके अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है 40 मिलीमीटर ऑफ मरकरी ठीक है अब क्या होगा ये एलव्यूलाई में होता होता है वन मिलीमीटर ऑफ मरकरी और वहां पर आ गया है जी पल्मनरी आर्टरी वाला ब्लड जो है फोर्टी मिलीमीटर ऑफ मरकरी अब ये वन इस पल्मनरी आर्टरी के ब्लड को जो कि जाहिर बात है पल्मोनरी कैपिलरीज के लेवल पे एक्सचेंज होगा तो इसको 104 में कन्वर्ट कर देगी ये 40 है ना यहाँ से एलव्यूलाइ करते करते एक्सचेंज होते होते थे बड़ी क्विकली एक्सचेंज होता है एक्सचेंज इस तरह होता है कि जितने टाइम पल्मोनरी आर्टीरियल ब्लड जो कि पल्मोनरी कैपलरीज के अंदर है वो जाके एल्व्यूलाइ से जब एक्सचेंज टाइम होता है ना उसके वन थर्ड टाइम में ही वन जीरो फोर का लेवल यहां पे पल्मोनरी कैपिलरी ब्लड में वन जीरो सिर्फ इतनी स्पीड से ऑक्सीजन एल्वियोलाई से यह पल्मोनरी कैपिलरीज के ब्लड के साथ मिक्स होगी कि उनका क्विकली वन जीरो फोर मिलीमीटर ऑफ मरकरी पार्शियल प्रेशर बन जाएगा ठीक है तो यह 40 का ब्लड 40 मिलीमीटर ऑफ मरकरी का ब्लड पल्मोनरी आर्टरी से लेके आया जो कि एलवी ने उस ब्लड को ऑक्सीजन कर दिया और उस ब्लड का पार्शियल प्रेशर भी कितना हो गया वन जीरो फोर ठीक हो गया जी वन जीरो फोर हो गया अब ये वन जीरो फोर वाला ब्लड पल्मोनरी वेन में जाता है तो ये नाइनटी फाइव हो जाता है ओके हैं, ये, ये, मतलब क्या बात पल्मोनरी के आर्टरी से फोर्टी का आया पल्मोनरी कैपिलरीज में वन जीरो फोर हुआ और वन जीरो फोर क्योंकि एल्विओलाई का वन जीरो फोर पार्शल प्रेशर था उसने अपना सारी की सारी ऑक्सीजन उसके अंदर डाल दी बैलेंस आउट कर दिया ठीक है तो ये पल्मनरी वेन में 95 क्यों हो गया दोबारा 104 से कम हो गया क्यों हो गया वो इसलिए हो गया है क्योंकि यहां पे इसके साथ थोड़ा सा वीनस ब्लड मिक्स हो जाता है हैं ये कौन सा वीनस ब्लड है जो पल्मनरी वेन के अंदर आके मिक्स हो जाता है पलमोनरी वेन तो लंग्स से निकलती है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को एल्व्यूलाइज से लेके लंग्स से लेके लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट में जाना था पलमोनरी वेन्स ने तो तो वेन्सीजनेटेड ब्लड लेके जाना था ना और वो ऑक्सीजनेट कितना होना चाहिए वन जीरो फोर के लेवल तक ऑक्सीजनेट होना चाहिए था जैसे मैंने कहा है कि पलमनरी कैपिलरीज के लेवल पर वन जीरो फोर होता है मगर ये वन जीरो फोर नहीं होता बल्कि नाइनटी फाइव पर क्यों गिर जाता है वापस क्योंकि इसके अंदर वीनस एडमिक्सचर ऑफ ब्लड होता है।, है ये क्या बात हुई कौन सी वेन का ब्लड इसके अंदर आके मिक्स हो रहा है वो वो ब्लड है जो के लंग्स के टिश्यूज से डीऑक्सीजनेट होके आया लंग्स अच्छा लंग्स का देखियो लंग्स का बेसिकली काम है ऑक्सीजनेट करना ब्लड को और वो यहां पे ऑक्सीजनेट हो जाता है मगर लंग्स के अपने टिश्यूज ने भी तो जिंदा रहना होता है और वो लंग्स के टिश्यूज़ ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं ठीक है और डी ब्लड को जिस तरह के बाकी तमाम ऑर्गन्स हैं मसल्स हैं मसल है जिस तरह के मसल के पास अब मसल को मसल ऑक्सीजन को यूटिलाइज करेगा और बाकी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को आगे भेज देगा तो इस तरह लंग्स के अंदर एब के अंदर एक्सचेंज तो हो रहा होता है मगर लंग्स के जो अपने टिश्यूज हैं उन्होंने जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं तो वो जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहां जाएगा वो सीधा लंग्स से निकल के लंग के टिश्यूज से निकल के पल्मोनरी वेन के अंदर आ जाएगा ऑक्सीजनेट हुए बगैर ही पल्मोनरी वेन्स के अंदर आ जाएगा तो क्या होगा कि वो 104 की वजह स्लाइट वीनस एड एडमिक्सर ऑफ ब्लड की वजह से पल्मोनरी वेन्स का पार्शियल प्रेशर नाइन्टी फाइव मिलीमीटर हो जाएगा ठीक है ब्लड ऑक्सीजनेट होकर आया 104 का उसके अंदर वीनस टिश्यूज से डी ब्लड उसके अंदर शामिल हो गया जिसकी वजह से वो नाइन्टी फाइव मिलीमीटर हमारे होगी और फिर लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट से निकल के अंदर चला जाएगा अब जब आर्टरीज में जाएगा तो वहां से होता 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 किसके पास जाना है सेल के पास जाना ठीक है, है। अब ये सेल के पास चला गया है सिस्टेमिक आर्टरीज का ब्लड हैविंग 95 मिलीमीटर ऑफ मर्कर अब ये आर्टरीज से जारी में जाएगा। और से फिर जो ऑक्सीजन निकलेगी वो जाएगी इंटरस्ट में जंप लगा के ऑक्सीजन इंटरस्टिशियल फ्लोइड में चला जाएगा और फिर इंटरस्टिशियल फ्लोइड में फोर्टी है और सेल के अंदर कितना है पार्शल ऑक्सीजन फाइव टू फोर्टी जिसको हम मीन ट्वेंटी थ्री मिलीमीटर कहते हैं तो देखा ना ये हायर से देखो यहां से सिस्टेमिक आर्टरी में 95 था यहां से जंप लगा के ऑक्सीजन चलेगी फ्रॉम हायर पार्शियल प्रेशर टुवर्ड्स लोअर पार्शियल प्रेशर इन इंडस्ट्रीशियल फ्लोइड आसानी से चलेगी अगर इंडस्ट्रियल फ्लोइड में 95 फाइव जगह हंड्रेड होता तो सिस्टेमिक आर्टरी से इंडस्ट्रीशल फ्लोइड में ऑक्सीजन न आ जाती बल्कि इंडस्ट्रीशियल फूएड से सिस्टैमिक आर्ट्रीज में चली जाती या कैपिलरीज के लेवल पर जहां पर एक्सचेंज हो रहा होता ठीक है तो 95 से 40 की तरफ चलेगी ऑक्सीजन इन इंडस्ट्रील फ्लोइड और यहां पे इंडस्ट्रीशल फ्लोइड से सेल की तरफ जो कि ऑन एज एज इन मीन ऑफ 23 होता है फाइव टू फोर्टी हो जाता है ठीक है तो अब ये कहानी थी कि एयर में वन फिफ्टी नाइन पार्शल प्रेशर था ऑक्सीजन का ह्यूमिडिफिकेशन की वजह से वन फोर्टी हुआ एलवीओ में जाके रेजिडुअल एयर के साथ लंग की मिक्स होने के बाद वन जीरो फोर हो गया फिर ये वन जीरो फोर जो था ये पल्मोनरी कैप पल्मोनरी आर्टीरियल ब्लड पीछे से आया फोर्टी mm मिलीमीटर मरकरी का उसको एलवीओ लाइन ने वन जीरो फोर ही बना दिया पल्मोनरी कैपिलरी के लेवल पर लिखा हुआ मगर जीरो फोर कर दिया वो वन जीरो पल्मोनरी वेन के अंदर गया तो चूंकि पल्मोनरी वेन के अंदर लंग के अपने टिश्यूज की तरफ से डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा था तो वन जीरो फोर की बजाय नाइनटी फाइव हो गया अब पल्मोनरी वेन ने लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट को भी नाइनटी फाइव दिया उस लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट ने सिस्टेमिक आर आर्टरीज को भी नाइन्टी फाइव दिया अब ये एक चला गया सेल के पास वहां पर पा जाके ये नाइन्टी फाइव मिलीमीटर ऑफ मरकरी से ऑक्सीजन ने जंप लगा के चली गई इंटस्ट्रीशियल फ्लोइड में जहां पर थी जहां पर पहले से था फोर्टी मिलीमीटर ऑफ मर्करी का प्रेशर अब यहां से ऑक्सीजन ने जंप लगा के सेल के अंदर घूस जाना है क्योंकि सेल के अंदर फाइव टू फोर्टी मिलीमीटर ऑफ मरकरी का पार्शियल प्रेशर है विच इज मीन ऑफ विच एज अ मीन ऑफ अराउंड ट्वेंटी थ्री मिलीमीटर ऑफ मरकरी तो ये इस तरह हायर से लोअर पार्शियल प्रेशर की तरफ सारी ऑक्सीजन चली जाती है और ये पार्शियल प्रेशर आप लोगों ने याद रखने अच्छा अब यही सारी स्टोरी अगर हम उल्टी कर लें यानी कि सेल से इंटस्ट्रियल फ्लूड इंटस्ट्रीशियल से फिर आर्टरीज फिर वहां से करते करते पल्मोनरी आर्टरी और फिर एल्व्यूलाई तो ये सारी उल्टी करें तो स्टोरी बन जाती है कार्बन डाइऑक्साइड की अब कार्बन डाइऑक्साइड जाहिर पता है सेल प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड सेल ऑक्सीजन यूटिलाइज करता है ऑक्सीजन चाहिए क्यों होती है सेल को ऑक्सीजन इसलिए चाहिए होती है केमिकल रिएक्शंस के लिए बेसिकली फूड जो हम खाते हैं उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए और उसको ऑक्सीडाइज करके उसमें से एनर्जी निकालने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए होती है अब क्या होगा जिससे अब जब वो केमिकल रिएक्शन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है अब इस कार्बन डाइऑक्साइड को हमने जब ऑक्सीजन का फूड पार्ट फूड के साथ केमिकल रिएक्शन होगा ऑक्सीडेशन करेगा फूड पार्टिकल्स की तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है अब इस कार्बन डाइऑक्साइड को हमने बाहर निकालना है तो से पहले इंटस्टिशियल फ्लोइड में जाएगी फिर इंटस्टिशियल फ्लोइड से जंप लगा और सिस्टेमिक वेन्स कहा जाके एंड होती हैं सिस्टाम वेन्स राइट साइड सिस्टमिक वेन्स डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके राइट साइड ऑफ हार्ट में, जाएगी।, गूंते 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 में जाएगी और फिर राइट साइड ऑफ हार्ट से निकलेगी पल्मोनरी आर्टरी

वी आर मूविंग फ्रॉम एरिया ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाई ऑक्साइड और हायर पार्शल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टूअर्ड्स एरिया ऑफ लोअर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइक्साइड ठीक ओके अच्छा अब ये देखेंगे जी बड़ी मजेदार बात है सेल के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है फोर्टी सिक्स मिलीमीटर ऑफ मरकरी अब सेल से हमने कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल के फेंक रहे हैं इंटस्टिशियल फ्लूड में अब जाहिर बात है इंटस्टिशियल फ्लूड में फोर्टी सिक्स से कम होगा पार्शल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड तो ही कार्बन डाइऑक्साइड सेल से निकल के इंटस्टिशियल फ्लूड में जाएगी

कि कार्बन डाइऑक्साइड हैज टाइम्स द डिफ्यूजिंग कैपेसिटी एज कंपेयर टू ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की डिफ्यूजिंग कैपेसिटी ट्वेंटी टाइम्स ज्यादा होती है ऑक्सीजन की डिफ्यूजिंग कैपेसिटी से तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड को अगर थोड़ा सा भी पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस मिल जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड भाग के ए फ्रॉम विल मूव फ्रॉम एरिया ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू एरिया ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन ठीक है अच्छा अब क्या होता है इंटरस्टिशियल फ्लोइड में आ गई अब पीछे से सिस्टेमिक आर्टरी आ रही है फोर्टी मिलीमीटर ऑफ मर्क्री का कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर लेके अब इंटरस्टिशियल फ्लोइड से कार्बन डाइऑक्साइड और यही सिस्टेमिक आर्टरी आगे विल लीड टू सिस्टेमिक कैपिलरीज तो कैपिलरीज के अंदर होगा 40 मिलीमीटर ऑफ मर्क का पार्शियल प्रेशर ये इंटस्टिशियल फ्लुड से भाग के कार्बन लगा के एंटर हो जाएगी सिस्टेमिक कैपिलरीज में इज अ कॉन्टिन्यूएशन ऑफ सिस्टेमिक ठीक है अब यही और उसका पार्शियल प्रेशर कितना हो जाएगा सिस्टेमिक कैपिलरीज में 45 मिलीमीटर ऑफ मर्क्री और सिस्टेमिक कैपिलरी से आगे क्या होती है सिस्टेमिक वेन्स तो सिस्टेमिक आर्टरी से जो 40 मिलीमीटर ऑफ मर्करी का पार्शियल प्रेशर आया तो इंटरस्टिशियल फ्लोइड ने उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड डाली और सिस्टेमिक वेन्स तक पहुंचते पहुंचते पार्शियल प्रेशर कितना हो गया 45 मिलीमीटर ऑफ मर्क्री अब यही सिस्टेमिक वेन कहा जाएगी राइट साइड ऑफ हार्ट 45 मिलीमीटर ऑफ मर्करी का प्रेशर लेके और राइट साइड ऑफ हार्ट से क्या निकलती है पल्मोनरी आर्टरी तो वही 45 मिलीमीटर ऑफ मर्क्री का प्रेशर कहां पे चला गया पल्मोनरी आर्टरी में और यही पल्मोनरी आर्टरी उसके बाद कहा जाएगी लंग्स के अंदर एलवीओलाई में और एलवीओलाई में कितना है पार्शल प्रेशर 40 मिलीमीटर ऑफ मर्करी तो अब क्या होगा ये 45 मिलीमीटर ऑफ मर्करी इन पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी कैपलरीज यहां से कार्बन डाइऑक्साइड उठ के जंप लगा के चली जाएगी एलवीओलाई के अंदर और यहां से फिर एलव्यूलाई से हम इस कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल आउट कर देंगे ठीक है और पीछे जो ब्लड होगा वो रह जाएगा फोर्टी मिलीमीटर ऑफ मर्करी पार्शल प्रेशर का ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है ब्लड एंटर हुआ लंग्स में फोर्टी फाइव मिलीमीटर ऑफ मर्करी पार्शल प्रेशर के साथ एलव्यूलाई में फाइव मिली mm, इतनी कार्बन डाइऑक्साइड दे दी के फोर्टी फाइव से फोर्टी मिलीमीटर ऑफ मरकरी पार्शियल प्रेशर हो गया कार्बन डाइऑक्साइड का इन पल्मोनरी ब्लड और ये पल्मोनरी ब्लड फिर कहां पे जाएगा पल्मनरी वेन से लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट और वो लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट से घूमता घूमता कहां जाएगा सिस्टेमिक वेसल्स सिस्टेमिक आर्टरीज तो ये घूम के जाएगा लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट से सिस्टेमिक आर्टरीज में तो सिस्टेमिक आर्टरी में भी कितना होगा फोर्टी तो ये जो पलमनरी वेन से निकला यही गया सिस्टेमिक आर्टरी में तो ये हो गया है फोर्टी मिलीमीटर ऑफ मार्के इस सारे को समझने से पहले खुद एक कॉपी पेंसिल पकड़ो और ख़ुद से ये बनाओ कि पहले ब्लड कहाँ से कहाँ मूव करता है राइट साइड ऑफ हार्ट से पलमनरी आर्टरी में गया पल्मनरी आर्टरी से लंग में गया लंग से पलमनरी वेन में गया फिर वो लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट में गया फिर वो टिश्यूज तक चला गया फिर टिशू से घूम के आएगा सिस्टेमिक वेसल से तो और उसके बाद देखो कहाँ कहाँ पे प्रेशर कम और ज़्यादा होना चाहिए

लेके गई टुवर्ड्स राइट साइड ऑफ हार्ट और राइट साइड ऑफ हार्ट ने आगे के पल आर्टरी में भी फोर्टी फाइव का ब्लड फेंक दिया तो फोर्टी फाइव का ब्लड गया फोर्टी फाइव मिलीमीटर ऑफ मक्री ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का एलव्यूलाई में जहां फोर्टी था तो ये फोर्टी फाइव ने अपना फाइव मिलीमीटर ऑफ मर्करी का प्रेशर एलव को दे दिया ये लो पकड़ो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड और वापस इसका पार्शियल प्रेशर हो गया फोर्टी मिलीमीटर ऑफ मर्क्री तो इस तरह ये घूम जाता है और ये सारी वैल्यूज लाजमन आपने याद करनी है। अभी तक कि नहीं याद हुई तो वीडियो को करें, और, याद करें। देन और जोर जोर से हार्ट पंप कर रहा होता है तो क्या होता है जो ब्लड का जो स्टे टाइम है ना जो लंग्स में या पल्मोनरी कैपिलरीज में जो स्टे टाइम था यानी कि ये पीछे से ब्लड आया और यहां पे आया जी एलव्यूलाई के एक साथ एक्सचेंज हो जाए और फिर स्लोली एक्सचेंज होकर ब्लड आगे निकल गया अब ये देखें स्टे टाइम कितना ठीक है थीके? अब ये जो स्टे टाइम है ना चूंकि पीछे से ब्लड बड़ी तेज तेजी से आ रहा है तो एक्सरसाइज के अंदर ये जो स्टे टाइम है जो इतनी स्लोली ब्लड मूव कर रहा है एलव्यूलाई से वो इतनी स्लोली नहीं मूव करेगा बल्कि वो उसकी स्पीड डबल हो जाएगी और उसका स्टे टाइम हाफ हो जाएगा यानी कि इस तरह जाने की बजाय वो इस तरह तेजी से निकल जाएगा वो आप कहेंगे यार ये ब्लड पहले तो आराम से स्लो स्लो आ रहा है तो फिर ये एक्सचेंज करेगा यहां से एलव्यूलाई से ऑक्सीजन निकल के इसके अंदर आएगी ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड निकल के एलवीआई के अंदर जाएगी तो ये तो मतलब जब तेजी से गुजर जाएगा फिर तो शायद एक्सचेंज ना हो पाए मगर नहीं एक्सचेंज फिर भी हो जाता है और जितना रिक्वायर्ड एक्सचेंज है फिर भी हो जाता है बेशक एक्सरसाइज में ब्लड का स्टे टाइम हाफ रह जाए बिकॉज ऑफ डबल स्पीड ऑफ ब्लड क्यों एक्सचेंज होता है क्योंकि नॉर्मली ही ये जो स्लोली ब्लड जब जा रहा होता है ना तो इस पूरा टाइम एक्सचेंज नहीं होता रहता इसके वन थर्ड टाइम में ही फर्स्ट वन थर्ड पार्ट में ही एक्सचेंज हो जाता है यानी कि अगर ये ब्लड यहां से निकला है तो भी ब्लड यहां तक ही पहुंचा है तो ब्लड में ब्लड से सारी कार्बन डाइऑक्साइड एल्यूलाइन ने ली है और सारी ऑक्सीजन ब्लड के अंदर डाल है सिर्फ वन थर्ड टाइम में ही. और बाकी जो सारा टाइम है उसमें कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा क्योंकि एक्सचेंज पहले ही हो चुका है तो अच्छा यानी कि वन थर्ड टाइम में सारा एक्सचेंज हो जाता नॉर्मली तो यानी कि टू थर्ड टाइम क्या हुआ टू थर्ड टाइम इज अ सेफ्टी फैक्टर तो कुदरत ने एक सेफ्टी फैक्टर बनाया हुआ है कि अगर ब्लड कि किस कभी एक्सरसाइज के केस में तेजी से भी गुजरे तो भी एक्सचेंज हो जाए डबल की अगर इवन थ्री टाइम स्पीड से भी गुजरे तो भी हो जाएगा हाथ थ्री टाइम से ज्यादा होगा तो फिर चूंकि हमारे पास सेफ्टी फैक्टर सिर्फ टू थर्ड था तो फिर नहीं एक्सचेंज हो सकेगा पूरा ठीक है तो दो वजह एक्सरसाइज में हाफ स्टे टाइम के बावजूद भी एक्सचेंज पूरा हो जाता है नंबर एक तो सेफ्टी फैक्टर उसको कंपनसेट कर लेते हैं और नंबर टू बेटर वेंटिलेशन इन द केस ऑफ एक्सरसाइज भी वेंटिलेशन परफ्यूजन क्या थी वेंटिलेशन थी एयर का एल्व्यूलाई के अंदर जाना और परफ्यून क्या थी ब्लड का उन एल्व्यूलाइज तक जाना एक्सचेंज तभी होगा ना जब एयर अंदर आएगी और ब्लड भी उस एलव्यूलाई तक पहुंच सकेगा तो एक चीज है वेंटिलेशन और एक परफ्यून तो एक वेंटिलेशन और परफ्यून दोनों अगर होंगी तो फिर सही एक्सचेंज होगा तो उसे कहते हैं वेंटिलेशन परफ्यून रेशो ठीक है होता क्या है कि इन द केस ऑफ एक्सरसाइज़ जो एल पहले सही तरह वेंटिलेटेड नहीं थी वो भी अच्छी तरह वेंटिलेट हो जाती हैं और जो ब्लड वेसल्स या जो एरियाज़ वेल परफ्यूज नहीं थे लंग्स के वो भी वेल well परफ्यूज हो जाते हैं इन एक्सरसाइज था। तो नाउ द लंग इज़ हैविंग अ बेटर वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशो यानी कि जो अक्सर एरिया जो पहले वेंटिलेट नहीं थे वो अब वेंटिलेटेड वेंट होने लग गए हैं और जहाँ पर ब्लड सप्लाई नहीं थी वहाँ पर ब्लड सप्लाई अच्छी भी हो गई और मजीद अच्छी हो गई ठीक है तो इन दो वजह से एक्सरसाइज में एक्सचेंज बहुत अच्छा हो जाता है ऑफ गैसेस इवन बेशक के स्टे टाइम हाफ पे रह गए अच्छा दूसरे दो पॉइंट हैं कि जब भी इंक्रीज ब्लड फ्लो होगा ठीक है जब भी इंक्रीज ब्लड फ्लो होगा टिश्यूज में तो वहां पे इंटरस्टिशियल पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ जाएगा बात है इंक्रीज ब्लड फ्लो होगा तो ढेर सारी ऑक्सीजन ब्लड लेके आएगा टूवर्ड टीश्यूर्ड इंटर फ्लो फ्लोर ऑफ ऑक्सीजन और वो ब्लड ढेर सारी वहां से कार्बन डाइऑक्साइड उठा के भी ले जाएगा एक तो ढेर सारी ऑक्सीजन वहां देगा तो वहां पर पार्शल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ जाएगा और जब वहां से ढेर सारा ब्लड ढेर सारी कार्बन डाइऑक्साइड को उठाकर लेके जाएगा तो फिर वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल मजीद कम हो जाएगा एंड वाइस वर्षा वाइस वर्षा क्या मतलब ब्लड फ्लो तो देर विल बी डिक्रीज इंटस्टिशियल पार्शल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन देर विल बी इंक्रीज पार्शल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि अगर किसी जगह का ब्लड फ्लो हमने कम कर दिया कम हो गया किसी भी वजह से तो डेफिनेटली वहां ऑक्सीजन नहीं आ सकेगी जब ऑक्सीजन नहीं आ सकेगी तो वहां पे पार्शल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम हो जाएगा और वहां से जब कार्बन डाइऑक्साइड वॉश आउट नहीं हो सकेगी तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर बन जाएगा तो सिंपल सी बात है ठीक अब दूसरा पॉइंट है कि जी मेटाबॉलिज्म में क्या होता है देखो जब मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करती है तो फिर वहां पे ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है नहीं वहां पर ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है वहां पर ज्यादा ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन होती है जब भी किसी जगह का मेटा मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा किसी टिश्यू का किसी पार्ट का वहां पे ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन बढ़ जाएगी और ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन बढ़ने की वजह से वहां पे ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा और जब मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा रिएक्शन ज्यादा होंगे ऑक्सीजन या ज्यादा इस्तेमाल होगी जब ऑक्सीजन ज्यादा इस्तेमाल होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा प्रोड्यूस होगी तो वहां पर ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा बल्कि काद, और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज्यादा हो जाएगा एंड वाइस वर्सा किसी भी टिश्यू का मेटाबॉलिक रेट लो है तो क्या होगा वहां पे ऑक्सीजन इस्तेमाल ही नहीं हो रही जब इस्तेमाल ही नहीं हो रही तो वहां पे ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल कम हो जाएगा क्योंकि मेटाबॉलिक रेट लो होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड तो प्रोड्यूस ही नहीं हो रही ठीक है तो ये सिंपल सी चीज होती है थी। अच्छा इस स्लाइड में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आपको इनमें से कुछ वैल्यूज लाज आती हैं स्पेसिफिकली एलव्यूलाई में कितना पार्शियल प्रेशर है ठीक है सिस्टेमिक आर्टरीज में कितना है और सेल्स में कितना है ठीक है एंड सेम इसमें सेल में इंटरस्टिशियल फ्लूइड में और एलव्यूलाई में कितना है ठीक है तो दिस वाज एट्स यूर नेक्स्ट पार्ट